नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं तारामंडल के पास, जो कि आप लोग दृश्य देख रहे हैं तारामंडल का। आपने अक्सर तारामंडल अंदर से देखा होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रात में, अभी तक अगर रात के समय अगर तारामंडल के पास से गुजरते हैं तो आपको किस तरह का इलाका दिखेगा। फिलहाल यह इलाका पूरा सुनसान आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दें जैसे यह तारामंडल की शुरुआत हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे एक जगमग मार्केट सा बन जाएगा, जो कि एक दरभंगा के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। आप देख सकते हैं, अभी हम बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर से ताला मारा गया है। अभी बता दें, रात में मजदूर लोग तो आराम कर रहे होंगे, प्लस आपको दिखा रहे हैं कि रात में किस तरह से तारामंडल का काम कितना हुआ दिख रहा है, साथ में किस तरह से लगता है। वो इलाका अभी फिलहाल पूरा सुनसान है, लेकिन जैसे ही तारामंडल बन जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन होने के बाद वाकई में यह भव्य और एक सुंदर सा नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा। आप यह मिथिलांचल एक्सप्रेस पर खास कवरेज देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तारामंडल अभी कितना तैयार है। आप देख सकते हैं, एक लाइट की वजह से थोड़ा फोकसिंग सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि तारामंडल के आसपास लोग पूरा सन्नाटा है। मिथिलांचल एक्सप्रेस इसी सन्नाटा में आके आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा है, साथ में आपको दृश्य दिखा रहा है तारामंडल। ये सीढ़ी है ऊपर जाने का, साथ ही जो गोलंबर देख रहे हैं उसके अंदर ही सारा खेल होने वाला है और बहुत सारा चीज़ अंदर बनाया गया है। बहुत जल्द आप लोग उस पर प्यार दीजिए वीडियो पर। अगर वीडियो अगर अच्छा गया तो बहुत ही लोगों तक पहुँचा, शेयर कीजिए, तो ज़रूर इसके अंदर की तस्वीर मिथिलांचल एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आएगी। आप फिलहाल देख रहे हैं बाहर से तारामंडल किस तरह से अभी के समय में कितना रात में कैसा लग रहा है और इलाका किस तरह से सुनसान है। और जल्द ये दरभंगा के बेला के आसपास दुर्गा मंदिर के पास का इलाका हो गया, जो कि नज़दीक में बागमोड़ है, इसी के कुछ ही किलोमीटर पर एयरपोर्ट भी है। तो कह सकते हैं कि दरभंगा के विकास के लिए, साथ में बिहार के विकास के लिए कहा भी जाता है कि यह जो तारामंडल है, एक बहुत ही बेहतरीन तारामंडल होने वाला है, जो कि बिहार में इससे पहले ऐसा तारामंडल नहीं बना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा तक लोग तक पहुँचेगी तो हमें अच्छा लगेगा और आपके लिए इसी तरह रात में जा जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे आपके लिए बेहतर के लिए और दरभंगा की हर खबर के लिए।